एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाई थी अपनी फ्रेंड की हल्दी, और मैं अभी आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ मेहंदी। तो हल्दी और मेहंदी दोनों एक ही दिन था, तो अभी हम लोग हो गए जल्दी से रेडी मेहंदी के लिए। और अभी हम ले जा रहे हैं अपनी ब्राइड को बाहर को, और हमारी ब्राइड भी रेडी हो चुकी है। ब्राइड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में ऐसे कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और देखिए, अभी यहाँ पर सब आ चुके हैं और तैयारियाँ चल रही है मेहंदी की। तो हमारी ब्राइड बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लग रही थी मेहंदी में अपने फंक्शन में। तो यहाँ पे फोटोशूट भी हो रहा है साथ में, और मेहंदी का फंक्शन हो चुका है अभी स्टार्ट। तो यहाँ पे लगने लगी है दुल्हन को अभी मेहंदी। तो ये है हमारी फ्रेंड कब्बू, ये लगा रही है अभी ब्राइड को मेहंदी। हम सब आपस में दोस्त ही हैं, तो कब्बू ने मेरी शादी में भी कब्बू ने ही मेहंदी लगाई थी। जब मेरी वीडियो आएगी तो तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी सारा व्लॉग अपना। तो ब्राइड को तो मेहंदी लग रही है अपना, तो बाकी लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी ने डांस कर रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। डांस में पीछे एक मैं रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे डांस के मामले में कुछ नहीं आता है, बहुत मुश्किल से अगर मैंने ग्रुप में कर लिया तो कर लिया, बाकी मुझे डांस नहीं आता। तो ये है ब्राइड की बहन, इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था। उसके बाद एक के बाद एक सब अपने अपने गानों में डांस कर रहे थे, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इसकी मेहंदी में, खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आती है ग्रुप डांस की बारी, और मैंने तो इस बार हद ही कर दी, क्योंकि मैं ग्रुप डांस में भी नहीं डांस कर पाई, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था दर्द, तो मैंने नहीं किया। और इसके बाद आ गई ब्राइड की डांस की बारी, और ब्राइड को लग गई है मेहंदी। बहुत बढ़िया तरीके से मेहंदी लग चुकी है और सूख भी चुकी है। तो उसके बाद दुल्हन ने किया डांस, और दुल्हन ने डांस बहुत अच्छा करा। तो हमारी दुल्हन का आपको मेहंदी का डांस कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है, डीजे हो चुका है बंद, रात के 11 बज चुके हैं। तो भैया ने कहा जल्दी जल्दी फ़ोटोशूट करवाओ, तो यहाँ पे सब ने जल्दी जल्दी से करवाया अपना अपना फ़ोटोशूट फैमिली के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ अपना यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।